क्या जी, क्या हाल है? वेलकम टू नॉट सो बनिया। लेट्स मेक योर डे अ लिटिल बेटर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं अपने नए घर में शिफ्ट हो चुका हूँ, बट बहुत सारे लोगों के ये सवाल थे कि कहाँ पर शिफ्ट हुए हो। तो मैं प्रीत विहार डी ब्लॉक शिफ्ट हुआ हूँ। घर शिफ्ट करने के साथ साथ सैडली हमें जिम भी शिफ्ट करना पड़ा। पहले हम जा रहे थे अपने भाई के जिम, अब हमें यहाँ पर एक नया जिम ढूंढना था। बट एक थोड़ी सी खुशी थी कि यहाँ पर एक बहुत बड़े ब्रांड का जिम है, तो मैं वहाँ विजिट करने गया। फिर जो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, वो बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताना, बट मैं चाहता हूँ ये व्लॉग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रांड है। छोटा मोटा ब्रांड होता मैं व्लॉग नहीं बनाता, बट एक बहुत बड़ा ब्रांड है। मैं चाहता हूँ अच्छे से एक्सपोज हो और उन्हें पता चले कि उन्होंने जो करा है गलत करा है। मैं वहां पे विजिट करा, उन्होंने मेरे को पूरा जिम दिखाया, उन्होंने मेरे को फी स्ट्रक्चर बताया, उन्होंने मुझसे पूछा सर आप ट्रेनिंग भी देते हो? मैंने कहा मेरे क्लाइंट्स हैं बट अभी मैंने सारे ड्रॉप आउट कर रखे हैं क्योंकि मेरा कंपटीशन आ रहा है। उन्होंने कहा ठीक है सर, आप यहाँ पर जिम नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा सर हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है किसी भी ट्रेनर को अलाउ करना जिम में या एंटर करना जिम में। जिम एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एनी टाइम फिटनेस, प्रीत विहार, ऐसे कोई नहीं करता एनी टाइम फिटनेस के किसी भी ब्रांच में। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप एक बार अपने हेड से बात कर लेना। उन्होंने कहा हाँ सर आई लेट यू नो। उन्होंने कभी कोई कॉल नहीं करा। मैं फिर 15-20 दिन बाद मैंने फिर ट्राई मारा। मैं अपने दोस्त के साथ गया, मैंने कहा तू जिम विजिट कर लियो, मैं एक बार अपनी क्वेरी पूछ लूंगा। मैंने कहा सर आपने बताया नहीं। कहते सर उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा मेरी बात करा दो। मैंने बात करी, मैंने कहा आई एम अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, मेरे को वीडियोज बनानी है, तो आपके 2 फ्लोर्स में डिवाइडेड है तो भीड़ थोड़ी डिवाइडेड है, मैं वीडियोज बना सकता हूँ। उन्होंने कहा सर वीडियो बनाना भी ना हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है। आई वॉज लाइक पॉलिसी के अगेंस्ट है वीडियो बनाना? ये कोई एग्जीबिशन है जहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है? उन्होंने कहा सर ऐसे ही है, हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है। अब आप मेरे को बताओ कितने बड़े बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स एनी टाइम फिटनेस में वर्कआउट करते हैं और वीडियोस बनाते हैं। लड़के छोड़ो, मैं लड़की गिनवा देता हूँ, गेट फिट विद नमन, उसके कितने सारे क्लाइंट्स हैं। वो ट्रेनिंग भी देती है लड़कों को, लड़कियों को भी। उसका फियांसे पंकज रावत, वो इतना बड़ा एथलीट है, वो भी ट्रेनिंग देता है, वो भी एनी टाइम फिटनेस में जाता है। एक वो भी है, कौन है उसका नाम, क्या है, आरुष, वो भी जाता है एनी टाइम फिटनेस में, उसका पूरा ग्रुप। सिंगा एनी टाइम फिटनेस भी जाता था। तो इतने सारे सारे एथलीट्स एनी टाइम फिटनेस जा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, बट एनी टाइम फिटनेस प्रीत विहार ने मना कर दिया कि आप ट्रेनर भी नहीं अलाउड और आप वीडियोस भी नहीं बना सकते। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तरफ इंडिया चाहता है वो फिटनेस इंडस्ट्री में ग्रो करे, और एक तरफ उसकी एथलीट के लिए, उसकी ट्रेनर के लिए ये रिस्पेक्ट है कि आप अपने जिम में भी नहीं आने दे रहे, ट्रेन भी नहीं करने दे रहे, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? एथलीट्स की अगर इतनी सी रिस्पेक्ट है तो एथलीट्स आगे कैसे बढ़ेगा? तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि गलत किया या सही किया, और प्लीज ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो, ताकि एनी टाइम फिटनेस प्रीत पहर वालों को पता चले उन्होंने गलत करा है, और उन तक ये ब्लॉग पहुंचे और इतने सारे लोगों तक पहुंच जाए कि उन्हें कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़े। देखते रहना मेरा नेक्स्ट ब्लॉग, डाइट का ब्लॉग आने वाला है इस वीक के, मैं पूरे दिन में क्या क्या खाता हूँ। प्लीज ये वाली वीडियो शेयर करना। बाय बाय।